वाराणसी, मथुरा, आगरा और दिल्ली समेत देश के अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों को लेकर चल रहे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों के लिए देश के मुसलमानों के लिए एक संबोधन जारी किया है। आपको बता दें कि इसका शीर्षक है, भारत के मुसलमानों को मस्जिदों की रक्षा और सेवा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी इमामों और प्रचारकों को इस विषय पर बोलने का अनुरोध भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद और कुतुब मीनार को लेकर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें केंद्र सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा के इसमें केंद्र सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुनिश्चित करने की मांग की गई। यह धारा पूजा स्थलों के बदलाव पर रोक लगाती है। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि बोर्ड के सदस्य राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें मस्जिदों और पुरातत्व स्मारकों के सर्वे को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ SC में याचिका मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक नई याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का खुलकर उल्लंघन करता है, साथ ही यह नागरिक के अधिकारों को लेकर भी अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।